और इराक रिलीफ वो जम करना और दीगर जो है वो हमारे ये डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा और वफाक ऑर्गेनाइजेशन। आपका इलाका जो है तो मेरे इल्म में है कि इदारों की निष्कारी हो रही है और फिर जो हमारा एक इदारा है बिल्कुल उसके पास इत्तेजाज भी जा रहा है, पूरे डेढ़ महीना हो गया है, इसके बारे में आपकी तारीख का क्या लायामन होगा कि जो इदारों की निष्कारी हो रही है उसके बारे में आपकी क्या सोच है और हुकूमत तक आप क्या पैगाम पहुँचाने जा रहे हैं? ये जो निष्कारी जो हो रही है ये हुकूमत की तरफ से जो इमरान खान का कर्जा है उसके पास अमेरिका का कोई प्रोग्राम है जिसका नाम बरकी है। वो पहले तो उसने खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों का बेड़ा भर किया है, अब वफाक का एक ही बड़ा अस्पताल है जो जिसपे पूरे पाकिस्तान के मुलाजमी और आवाम का एक बोझ है, अब उसको प्रिवेंट करने चाह रहे। चाहिए था कि ये हुकूमत हेल्थ और एजुकेशन पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करती, लोगों को ज्यादा सुविधा देती, लेकिन आज इन दोनों इदारों को बेचने के ऊपर तुली हुई है और इन इदारों को प्रिवेंट करने के लिए आज जो मुलाजिम 5 रुपए की चिट लेता था आज 100 की चिट ले रहा है। आज अस्पताल में जिसको फ्री टेस्ट हुआ करता था उससे टेस्ट की फीसें ली जा रही है। तो ये इंतहाई इस पर पूरे मुल्क के मुलाजमीन और पूरे पूरी जितनी भी तहरीक की जितने ये पेम्स के पीछे खड़े हैं और इंशाल्लाह इसको बेचते नहीं है। अहसन बहुत अच्छी बात आपने की। अहसन आप मुझे ये बताएं कि इदारों के अंदर से जो लोग निकाले गए, मेरे मन में ये है कि आपकी मीटिंग हुई थी और परवेज खटक साहब और आज अली मोहम्मद खान के साथ आप बड़े अच्छे मुजाकरात हुए और बाकायदा एक चार्टर डिमांड आपने पेश किया, उसके अंदर इदारों से लोगों को निकाला जा रहा है और इदारों को भेजा जा रहा है, इसके बारे में आइंदा का लायमन क्या होगा आपकी तहरीक का? क्योंकि आपके पास तकरीबन 62 यूनियन मेरे इलम में है, 62 यूनियन है, 4 सूबों के अंदर आप मौजूद है और मुझे लगता है कि हुकूमत आपकी तहरीक से थोड़ी खौफजदा भी है कि आज मेरे इलम में आया कि डिप्टी कमिश्नर ने आपको बुलाया है, उन्होंने हुकूमत से वक्त कोई टाइम मांगा आपसे, कोई इस बात में ताकत है? मैं इस बात की इस तरह मजाक करता हूँ कि हुकूमत ने जो निष्कारी का सिलसिला शुरू किया आईएमएफ की जो है प्रेशर के नीचे, उसमें हमारे 5,500 लोग स्टेट बैंक से निकाले गए, हमारे 450 के लगभग लोग पीटीडीसी से निकाले गए, इसी तरह रेडियो पाकिस्तान से 1,020 लोगों को निकाला, इसी तरह हमारे अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तकरीबन 700 लोगों को निकाला, इसी तरह और भी इदारे हैं जहाँ से पीटीवी से लोगों को निकाला गया। तो हम उन लोगों की बहाली के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करें और इंशाल्लाह उन लोगों को बहाल कराएंगे, क्योंकि माजी में भी हमने जंग लड़ी है, आज भी बाज़ अदालतों ने हमें रिलीफ दिया है, लोगों को बहाल करवाया है और इंशाल्लाह और भी हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हमें मारे निकाले लेकिन पार करके जो है वो इंशाल्लाह हमें जरूर रिलीफ देगी। अच्छा फिर आखिरी सवाल है, आप ये बताएं कि क्या हुकूमत वक्त को कोई आपकी तहरीक ने कोई आज को फैसला हुआ कोई डेडलाइन दी है या आप आइंदा का क्या राय बोला है? पीडीएम की एक तहरीक चल रही है पूरे मुल्क में 11 जमातें बाकी हुई, क्या आपकी तस्दीक क्या उनके प्लेटफॉर्म से जाएगी या उनसे कोई बात करेगी या उनके धरने में आप शामिल होंगे या आप अहदा से एक अपनी तहरीक शुरू जो की हुई है उसमें चलेगी? हमने जो है आज जो एहतजाज के लिए और जो इंतजामी ने बुलाया उससे जो मुजाकरात हुए तो मैंने उस पर कॉल दी थी, उसमें तारीफ भी दी थी, लेकिन हम इस्लामाबाद के आगे आके धरना देंगे, लेकिन हुकूमत हाइफ थी उससे कि ये लोग बगैर इतला के यहाँ पर आएंगे पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहरा करेंगे, लेकिन आज उस पर काफ़ी तवील मुजाकरात हुए और हुकूमत ने बहुत उससे 8 दिन का टाइम मांगा है जिसको मेरी तमाम तंजीमों ने उससे इतफाक़ किया और 8 दिन का टाइम दिया। जहाँ तक आपके पीडीएम के जलसे का ताल्लुक है और पीडीएम के साथ उनके प्रोग्राम में शिरकत, हम कहते हैं कि अगर हुकूमत ने हमारे सर पर हाथ रखा दस्त शफकत और हमारे मसाइल का अजाला किया तो हम इस हुकूमत के जो है तनखादार गुलाम हैं, हम इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। अगर हुकूमत हमें धुतकारना चाहती है इदारों से निकालना चाहती है तो फिर तो हम आले ना लें, फिर तो हम पीडीएम के साथ भी जा सकते हैं दूसरी चीजें के साथ भी, जब तो हुकूमत हमें एक्सेप्ट ही नहीं करती अपने इदारों के अंदर, हमें तो उसका हमें भेजना चाहती है तो फिर हम कैसे हुकूमत का साथ देंगे? तो इंशाल्लाह इसके लिए हम सोच समझ कर अगर उन्होंने हमें इस चीज़ की एक तैयारी कराई कि हमारी हुकूमत आपके लोगों को बहाल करेगी, जो निष्कारी की गई है या कर रहे हैं इसको हम विड्रा करेंगे और जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया इनको बहाल करेंगे, तो इंशाल्लाह उनका आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सवाल मेरा रह गया कि
के बारे में आपकी क्या सोच है और आपकी तंजीम उनके लिए क्या करेगा? जहां तक पेंशन दो किस्म के, एक तो वो पेंशन है जो इससे पहले इदारे जो फरोख्त हुए और उन्होंने गारंटी जमानत दी थी पीटी सेल की कि इन लोगों को जो है वो उनकी पेंशन और दूसरे मुलाजमी की तरह मिलती रही है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उस वक्त पाकिस्तान ने ये वायदा तहरीन किया, लेकिन गुज़श्ता 10 साल से जो हुकूमत ने जो मुलाजमीन की पेंशन ज्यादा की है, इन मुलाजमीन को जो है उससे मायूस रखा गया है, उनको हक मिला। रहा दूसरे मुलाजमीन का ताल्लुक जो पेंशन है उनके लिए हमारी जद जारी है कि इस महंगाई के तनासब से जो दवाइयों में इजाफा हुआ है, जो बिलों में इजाफा हुआ है, जो किरायों में इजाफा हुआ है, तो उसके मुताबिक जो है ये लोग अपनी जवानियाँ जो है सरकारी इदारों में अपनी सब कर चुके हैं, अब इन घरों के अंदर पाबंद बैठे हुए हैं, उनके पास ऐसे मसाइल हैं कि अपनी जिंदगी और आखिरी वक्त अच्छे तरीके से गुजार सकें, तो उनके लिए हम बेहतरीन पैकेज के लिए कोशिश करें और उनको चाहिए कि जिस तरह उन अपने वालदैन का ख्याल करते हैं, इसी तरह हमारे रिटायर जो मुलाजमीन है उनके हकूक और उनके लिए बेहतर मुराद करते हैं। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइंदा का लाइब्रेरी बता दें थोड़ा सा। आइंदा का लाइब्रेरी कि हमने 8 दिन दिए हुकूमत को, 8 दिन दिए हुकूमत को और 15 तारीख की हमने हुकूमत को मजीद टाइम दे दिया। हम 15 फरवरी तक का हुकूमत को टाइम देते हैं, 15 फरवरी को यहाँ पर हम धरना देंगे और ये इतने ये 1.5 महीना है इसमें पूरे पाकिस्तान में तमाम बड़े बड़े शहरों में कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेबर कॉन्फ्रेंस करेंगे, जलसे करेंगे, मुख्तलिफ इदारों के अंदर जलसे करके हम मुलाजमीन को मोटिवेट करके हम पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है वो धरने के लिए तमाम मुलाजमीन को यहाँ पर लाएंगे और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुकाबला। ऐसा बहुत शुक्रिया आपकी तहरीक के कायदीन का, बहुत शुक्रिया। बड़े कंपनी ऐसे अपने जवाब दिए।